भैया रामवीर सिर से गंगा नाथ उतारी सज दई भावे आज त्रिपुरारी ए दिल में ना दिल में ना तन कऊ सोची लेके चल गए मुछड़िया मोची बने मुचड़िया को हाथ में लिए हुए शंकर आगे बढ़े हैं और भैया ससुरार से नजदीक पहुंच के डेरा डाल ले और हमीर का भाव सखिया मेला में घूम रही हती सो का भाव सखी कहे ओ मोची सुनी कहा मोल देव सुनाई सुंदर एक मुचड़िया को दीजे आप गहाई सखी ने जवाब दो हे प्रभु ए मोची हाँ कहो क्या बात है या मुचड़िया ही क्या कीमत है एक हमें दे दे शंकर भगवान हंस गए अरे सुनो मुचड़िया की कीमत वैसे कुछ नहीं और बहुत है अरे यू को सवाल होगा कि इसका कीमत कुछ नहीं और बहुत है सुनो पैसा तो एक भी नहीं लेकिन वैसे मोल बहुत है वो कैसे ए सुने सखीने के बेन बढ़िया हो आगे इधर आओ ना बात कान में गहूं के जाई की मजा है हाँ हाँ बताओ ए सुने सखीने के बेन लगे यो सुनो चितलाई सके कोई ना मेरे जाती आए की मदनाई भैया रामीर छुपके से सही पास हो रहा है लेकिन भगवान शंकर कान में कहने लगे था बुरो नहीं लग जाए तो एक बात कर कहो जाकी कीमत को ना दे पाओ अरे पता तो सही कहा है ए मुचड़िया को है दाम बने मेरी बाम जो ले कुआरी मुचड़िया वो ही लेगी जो हमारी घरवारी बन जाए और हाय सखी एकदम से बोलिए क्या कहा यही बात तो है भैया आगे क्या हुआ सुनो मुचड़िया हम कमा गरवाई ना बन रही तिलविलाए के गांव की तरफ भागी और पार्वती के पास आकर के बोली अरे बहना एक बड़ी अचंभे की बात है बोले क्या
एक मोची आओ, वो बड़ी सुंदर मुचड़िया संग में लायो है। क्यों, फिर तुम लेके नहीं आई? बोले बहना कहा बताओ बागो मोल वड़ो अजीब है क्या? ये कह रहा मोची अगर जाए वही लेगी जो मेरी घरवारी बन जाए। और बहना तू देख कितनी सुंदर मुचड़िया है, चल तुझे दिखा के लाए। पार्वती श्रोता हो संग चल दें। और रामीर भाव का ऐसी सुंदर वो सखी रे न देखी मोचड़िया। ऐसी सुंदर मचड़िया आज तक हमने नहीं देखी। मेरे दिल में बारंबार रे, मेरे दिल की बारंबार रे है फूली ये की बढ़िया। मेरी सखी रहो मोची को मोल सुन के। और बहना में एक बात हाथ नहीं रही। पार्वती कहने लगी चलो तो मैं चल रही हूं। ये सुनी सखी की बात यो बोली शैल कुमारी है। सुन रही है सखी? अरे हम राजा की लड़की और हमारे शहर में मोची मुचड़िया है बेक है, उनकी सूदी कीमत बतावे हम उसे जेल भिजवा देंगे। चलो हम दिलवा के लाते हैं। सुनी सखीन की बात कहियो रे, ए सुनी सखी की बात के बोली शैल कुमारी से। पार्वती रामवीर आगे बढ़ गई, मौसी के पास गई, जवाब दिया ए मुचड़िया वाले इधर देख, हमारे शहर में आकर के मुचड़िया देखे उल्टी सीधी कीमत बताएगा, मार और पड़ेगी, बताए इसकी कीमत क्या है। हाय जिया मेरो ललचायो है, मुचड़िया पे मेरा दिल आएगा। ये जिया मेरो ललचायो है, कैसी सुंदर मोचड़िया मोची तू लायो के। और सखीन से कहने लगी जा तो मैंने तो खरीद ली नहीं लूंगी। और मोती के पास पहुंच गई पार्वती और कहने लगी सही सही बता दे। आए कहे अरे कहे यो सुनो सखी प्यारी, भगवान शंकर मोती बने बैठे पार्वती से बोले सुना। अरे कहे यो सुनो सखी प्यारी, जो मुचड़िया कूंगी ले बने वो मेरी घरवारी। क्या कहा? हाँ अगर मेरी मुचड़िया को जो लेगा घरवारी बन जाए सोई लेगी। पार्वती ने जवाब दो मैं यहाँ राजा की लड़की हूँ, उल्टा सीधा बोलेगा
समझ ले भगवान शंकर हंसने लगे मन में। हाँ घरवाली बन जाएगी तो मचड़िया तू ले लेगी। अरे गवार सुन के न लगी बानी ऐसी मुचड़िया पे कुर्बान दे मेरी जिंदगानी। ओ मोची मोची ते कछु ले ले मांग तो सही लेकिन मुझे मोची मुचड़िया दे दे। अरे सखी मुझे जल्दी पहुंचा दे एक कैसी सुंदर मुचड़िया तू वो पूरे दिखला दे। अरे यहाँ की मैं हूँ राजकुमारी मुँह मांगी कीमत दे दूंगी सुन ले तो परिवार। मुँह मांगी कीमत दे दूंगी दे दूँ सब परिवार। देर मत करे मोची ने चेक से जवाब दो। सुनो हमारी एक ही शर्त है अगर जय को लेगी तो मेरी घरवाली बन जाए। और का बोली हे मुचड़िया दे दे ये मुचड़िया दे दे ओ मोची भैया मुचड़िया दे दे ओ मोची भैया।